एक ऐसा प्राचीन मंदिर शिव जी का, जहां आज भी नाग देवता मकर संक्रांति के दिन दर्शन देने आते हैं। शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा ना कोई दूजा। जी हाँ, स्वयं शिव शंभू है, स्वयंभू है, जिनका ना जन्म हुआ है ना कुछ हुआ। ये एक अपने आप में आदिकाल है, महादेव है। जब सृष्टि रहेगी तब तक भगवान शिव हैं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। ऐसे ही प्राचीन मंदिर है। अशोकनगर जिले से करीब 35 किलोमीटर एवं गुना जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गनहेटी में, यहाँ पर महादेव बारिकेश्वर महादेव का मंदिर है। पहाड़ी को बीच स्थित है। यहाँ पर बालाजी सरकार का भी सुंदर प्राचीन प्रतिमा है, जहाँ शेषनाग विराजमान है। पहाड़ियों के बीच ये मंदिर अपने आप में एक अलौकिक, एक प्राचीन मंदिर स्थान लगता है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं बड़ी संख्या में। और आपको बता दें कि हर मकर संक्रांति के यहाँ मेला लगता है मकर संक्रांति पर। और यह पर कहा जाता है कि प्राचीन जब पांडव अपने वनवास काल में थे, यहाँ पर तपस्या करने आए थे। ये बारिकेश्वर महादेव का मंदिर है, और आप देख रहे हैं हमारे सामने वाटरफॉल नजर आ रहा है आपको, और यह कुंड भी है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, और हर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और ये सामने ही प्राचीन महादेव का प्रतिमा, जो एक अलौकिक, एक अपने आप में एक प्राचीन मूर्ति है यहाँ पर। और मैं हूँ राजन सिंह सोलंकी, पत्रकार, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक बात और एक मान्यता बताई जा रही है कि यहाँ पर पांडवों ने आकर तपस्या की थी इस स्थल पर, प्राचीन स्थल पर। यहाँ से पांडवों ने आए हुए थे जब वनवास काट रहे थे, जब वो इस यहाँ पर भी आए थे। और इन पहाड़ियों पर शैल चित्र भी उकेरे हैं, जो हमारी प्राचीन सभ्यता की झलक दिखलाते हैं। और एक सुंदर, मनोरम और बहुत बढ़िया दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। अक्षत न्यूज़ हर बार आपको ऐसे ना ऐसे कहीं देव दर्शन कराता है, और इस बार आपको इस गनहेटी स्थित माँ बारिकेश्वर के दर्शन कराए।